साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के सिलसिले में आज कई दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। परिस्थितियां बदल गई प्रदेश की, 69,000 शिक्षक भर्ती टूट करके बिखर गई, दो दो पार्ट में हो गए और स्थितियां कुछ यूं बन गई कि हाई मेरिट का कैंडिडेट अभी भी बैठा हुआ है और लो मेरिट का कैंडिडेट काउंसिलिंग करा लिया है, कल परसों नियुक्ति पत्र भी बढ़ जाएगी और उस बीच और मझधार में फंसा रह गया आपका उत्तर कुंजी। हम और आप जो ये आस लगाए बैठे थे कि जब भी भर्ती स्टार्ट होगी उसके पहले पहले हमारे मामले को सुना जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने वो गेम खेला कि हमें और आपको फंसा के रखे रहा कि आप इसी में फंसे रहे, कोर्ट कोर्ट खेलते रहिए, हम भर्ती कर ले जाएंगे। और सिर्फ उत्तर कुंजी प्रकरण नहीं, उत्तर कुंजी के साथ साथ उन्होंने जो भी प्रकरण से सारे प्रकरण को उन्होंने अच्छे तरीके से और बखूबी जैसा वो फंसाना चाहते थे वैसा फंसा के रखा। हम भाई सराहनीय काम किया सरकार ने, हम इनको सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका कार्य सराहनीय हुआ। आपने जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसके लिए भी आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं। अब मैं बात करूंगा अपने प्रकरण उत्तर कुंजी पे, क्या कुछ विशेष चीजें निकल के आ रही हैं। आपके तमाम फोन आ रहे हैं मेरे पास, बार बार फोन आ रहे हैं कि सर क्या कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मित्र मैं पहले भी बताया था और आज फिर आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इस समय गेंद उनके पाले में है, इस समय गेंद उनके पाले में है। वो याची बन करके हमें नचाने की पूरी भरकस प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आपका मामले को ना सुना जाए, वो चाहते हैं कि आपका मामला जिस प्रकार से दबा है उस प्रकार से दबा रहे, लेकिन फिर भी जद्दोजहद लगा हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश और पूरा जी जान से आपके मामले को निस्तारित कराने के लिए लगे हुए हैं। टीम का अपने कार्य से किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि आवाज भी खराब हो गई है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, इसके बावजूद भी कार्य जारी है मित्र। एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उस दिन एक सूचना आप लोगों को मिल गई थी उत्तर कुंजी प्रकरण आईए के माध्यम से सुनवाई के लिए, तो दोस्त उसके विषय में लोग जानना चाह रहे थे। दोस्त आपको पता होना चाहिए कि माननीय ललित सर जो है मामले को किसी प्रकार से आप जानते हैं तुरंत नकार दिया गया था जो मामला वहां लगा था उस दिन, ठीक है। तो कोई मतलब और कोई लोगस ही नहीं निकला कि आपके मामले को वहां सुनवाई हो पाती। अब मैं बात करूं आगामी सुनवाई के लिए, कुछ साथी कह रहे थे एप्लीकेशन मूव नहीं हुई है, मूव नहीं हुई, एप्लीकेशन नहीं पड़ी है, तमाम चीजें कही गई, यहाँ तक कि लोग वायरल आइडियो तक मेरे पास भेजे और बोले कि देखिए ये आइडियो सही है कि नहीं, उसमें कोई था उन्होंने कहा कि सब पैसा लेकर के सेटल हो गए। तो देखिए दोस्त, पैसा लेकर के सेटल कोई नहीं हुआ है, जहाँ आप खड़े आज हम भी वहीं खड़े हैं, कोई सेटल वेटल नहीं हुआ, ठीक है। और उनके भाई साहब के बातों का अगर मैं सफाई देता फिरूं तो प्रदेश में ऐसे रोज कॉल रोज मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं बस सफाई देने भर का हो जाऊंगा। अब सीधी सीधी मैं बात करूं वर्तमान स्थिति उत्तर कुंजी की, सीधा पॉइंट पे, तो मित्र प्रेजेंट टाइम में आपके इस मामले को सुनवाने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में ऑलरेडी पहले से ही कार्य चल रहा है, लेकिन बात वही है आकर के फंसती है कि जब तक आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपके मामले को नहीं सुना जा सकता। और इतना आसान नहीं होता कि कोई चीज़ें यूं ही बोल दिया और हो गया। और आपको पता है वर्तमान समय में जिस प्रकार से टीम का हर एक पैनल, आपके वकील जो आपके टीम में हैं, सारे अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ वगैरह तो नहीं दे पाऊंगा कि ये देखिए हमने ये फोटो खींची है, कोर्ट में गया मैं वहां मिला, तो ये चीजें टीम द्वारा नहीं की जाती। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया, सोशल मीडिया पे हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ हैं, ये सारी चीजें फोटो खींच खींच के वायरल करते फिरे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो सकता। बस इतना बताना चाहूंगा मित्र, अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ूंगा, हम हार नहीं माने हैं और ना ही हार मानेंगे। उत्तर कुंजी प्रकरण का बिना निस्तारण कराए या तो मुझे हार मिले या तो जीत मिले, क्योंकि प्रदेश के हजारों की संख्या में लोगों के विश्वास हमारे साथ जुड़ा है और ये टीम आपके विश्वास को यूं ही नहीं तोड़ सकती।
हम औरों की तरह नहीं हो सकते कि पैसा लिया, गमन किया, गायब हो गए, फिर से नजर नहीं आएंगे। दोस्त जब भी खोजोगे मिलेंगे। मजबूरियां हैं, समस्याओं की वजह से फोन कॉल्स नहीं रिसीव हुए हैं किसी के, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 2500 3000 4000 कॉल्स एक पर्सनल कैंडिडेट के पास कर किया जाए तो वो कितने कॉल रिसीव करेगा, वो अपने दिनचर्या के कार्य को भी करेगा, आपके उत्तर कुंजी प्रकरण को भी संभालेगा, उसका भी परिवार है वहां भी 2-4-10 मिनट देगा, क्या क्या करेगा, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा क्या अब याची लाभ मिल सकता है। तो दोस्त ऐसे केसेस में जहां भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, सीटें नहीं बचती हैं, तो अक्सर जज साहब क्या करते हैं, सीटें रिजर्व कराई जाती हैं, याची लाभ मिलता है, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। अब इस भर्ती की क्या स्थिति बनेगी ये मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या इसमें याची लाभ मिलेगा, क्योंकि ये चीज तय करने का अधिकार माननीय न्यायाधीश महोदय को है। मैं कोई न्यायाधीश नहीं, मैं कोई कोर्ट नहीं कि मैं आपको कह दूं कि हाँ याची लाभ मिलेगा, मैं याची लाभ दिला रहा हूँ, आओ मेरे पास, मैं याची बुलाऊंगा, इतना पैसा लाओ, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे जितने याची थे उतने ही टीम के साथ जुड़े हुए, कोई नई याची नहीं बनाए जा रहे हैं, ना ही कोई नई याचिका फाइल की जा रही है, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं। इसलिए प्लीज आप गुमराह में ना मत रहो, हमारे नाम से अगर आपको याची बनाने के लिए कोई पैसा ले रहा है तो भी आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि टीम द्वारा याची नहीं बनाया जा रहा, ना ही टीम का कोई मेंबर आपको याची बनाएगा कि हम याची बना रहे। जो भी लोग थे पिछले कुछ दिनों में वो संपर्क में थे, उनका बना है, बाकी किसी को ऐड नहीं किया जाएगा आने वाले समय में भी, क्योंकि पूरी तैयारी केस पे है। हम किसी भी तरीके से किसी भी हालात में सुनवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आपके मामले को जल्द से जल्द सुनवा लें, क्योंकि स्थितियां आप जानते हैं कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आपके मामले को सुना जाए और इसका कुछ निष्कर्ष निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर बढ़ेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा, वो सीटें कहां से लाएंगे, इतने कैंडिडेट आएंगे, वो लिस्ट को बदलना नहीं चाहते थे, इसीलिए तो इतना सारा रायता फैला है। ये आप जानते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है और ना हमें कुछ बताने की जरूरत है। बाकी जिन साथियों को, जिन भाइयों को आज भी हमारे ऊपर भरोसा है, वो हमारे साथ बने रह सकते हैं, और जिनको भरोसा नहीं है मित्र, वो आंख मूंद करके हाथ जोड़ करके आराम से हम उनसे कहते हैं वो चले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हम किसी प्रकार की कुछ भी मतलब ये नहीं कहेंगे, रोकेंगे कि नहीं आप रुकिए, आपको नहीं भरोसा है, आपको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, टीमें कार्य नहीं कर रही, तो आप बेशक जा सकती हैं उन टीमों के पास जो कार्य कर रही हैं। और आपको पता है कि प्रदेश में कौन एक्टिव है, कौन डीएक्टिव हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। पिछले कई टीमें निकली थी स्टार्टिंग में, आपको पता है सबने धनाधन धनाधन ग्रुप बनाए, लोगों को याची बनाया, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर कोई नजर आ रहा हो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल बेंच से डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी एक जद्दोजहद के बाद आज भी हम खड़े हैं, टीम आपकी अडिग है, ना जरा सा भी कितनी भी विषम परिस्थितियां ना हो, चाहे कर्ज ही क्यों ना हो अधिवक्ताओं का टीम के ऊपर, लेकिन वकील हमेशा उतरे हैं, आपकी लड़ाई को हमेशा लड़ा गया है। एक्स्ट्रा हियरिंग हो जाती है, डेट लग जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आपके वकील मौजूद रहते हैं, उनकी फीस पेड होती है जो जरूरी होती है, चाहे वो फाइलिंग की हो, जो भी चीजें होती हैं वो ससमय पूरी होती है। हम एक बार आप लोगों से शुल्क मांगा गया था टीम द्वारा, आप लोगों ने दिया, इसके अलावा अगर कोई कह दे कि नहीं फिर से दोबारा मांगा गया तो आप बता सकते हैं, अभी किसी से कोई फीस वीस नहीं मांगी गई है, ठीक है। और जो गुमराह करते हैं, अगर आप गुमराह होने लायक है तो आप गुमराह हो जाएंगे, ठीक। बाकी जीत की प्रतिशत आप हमसे पूछेंगे, सर जीत की उम्मीद कितनी है, तो दोस्त मैंने नीचे ही बता दिया था कि अंत समय तक लड़ूंगा, या हार मिले या जीत। आप मुझे परसेंटेज पूछेंगे सर कितने चांसेस है, तो दोस्त मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि प्रश्न किस प्रकार से गलत है, उसके साक्ष्य किस प्रकार से, आप अनुमान लगा लीजिए आप कितने सही हैं और कितने सटीक हैं। अगर आप सही नहीं होते, सटीक नहीं होते, तो आप सिंगल बेंच से जीतते कभी भी नहीं, ठीक। तो ये है स्थितियां मित्र, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको एक वीडियो में रख पाना मेरे लिए बहुत ही असंभव है। हालांकि अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी सांत्वना प्राप्त हुई हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ढांढस बताया है कि अभी भी हिम्मत रख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा दोस्त, अब लड़ाई थोड़ी लंबी होगी, लड़ाई अब थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मित्र आप अपने कार्यों को मत रोकिएगा। इस उत्तर कुंजी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करेंगे, आपके कार्य को हम देख रहे हैं, टीम आपकी देख रही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने पढ़ाई लिखाई पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि हमें तो समय नहीं मिल पा रहा है,
कम से कम अपने साथ के जो साथी हैं उनका समय तो ना बर्बाद करें, इसलिए बार बार आप कॉल करके मैसेज करके एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो फिर वो उसमें आप भी अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप वीडियो पे आया करिए, आपको सूचनाएं मिल जाती है, ग्रुप में सूचनाएं मिल जाती है, ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है, जो भी चीज़ें होती है आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को ख़राब ना करते हुए अपनी पढ़ाई को, अपने समय को सही दिशा में लगाते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। मैं बस यही अनुरोध करूँगा क्योंकि आगामी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक। क्योंकि 69,000 का एक पार्ट होने के बाद अब सेकंड पार्ट की क्या भविष्य होगा ये किसी को नहीं पता। कहीं अगर बंदर बाढ़ जैसी स्थिति हुई 68,500 की बची हुई सीटों की तरह, तो ये भर्तियाँ 3-3 साल तक जो जैसे क्लियर होते रहेंगे केस वैसे भर्तियाँ होती रहेंगी, ठीक है। तो स्थितियाँ इसी प्रकार की है मित्र, इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी टीम हमेशा आपके लिए खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी दोस्त। और फ़ोन कॉल से थोड़ा बचिए क्योंकि फ़ोन कॉल्स बहुत कम रिसीव किए जा रहे हैं, ठीक है। समय आएगा तो वो भी किए जाएंगे, जब हम आपके लिए कुछ 100% करें तो आपको जवाब देने लायक भी और अंदर थोड़ा सा जुनून और हिम्मत होता है कि हमने आपके लिए कुछ बेहतर कर दिया है, तो हम आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। खैर, आपके इतने फ़ोन वगैरह के आने के बाद से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। अगर चीज़ें समझ में आई हो दोस्त तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रश्न होंगे, जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से अपडेट होगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि अब निरंतर आपको वीडियो दूं। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था अब वीडियो बनाना या यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में आना, लेकिन मुझे लगा आपके फ़ोन कॉल्स इतने आते हैं कि सबको एक ही प्रकार के जवाब देने पड़ते हैं, जो मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। एक ही सवाल 70 फोन, 78 फोन, 80 फोन, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में आ रहे हैं और एक ही सवाल, सर क्या स्थिति है, तो सबको वही एक ही जवाब देना पड़ता है। तो मित्र, इसीलिए एक वीडियो पड़ जाया करेगी तो आप उस पर कनेक्ट होकर के उसको जान लिया करेंगे, ठीक है। तो दोस्त यही थी सारी चीज़ें, बाकी और भी तो आपके अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दिएगा। और अगर जाने अनजाने में इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ, अगर किसी की दिल को थोड़ी सी भी ठेस हमारी तरफ से पहुँची हो तो दोस्त माफ़ करिएगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे बड़े और छोटे भाई बहन सब जुड़े हैं और सबको पता है कि आपसे कुछ नहीं छूटा है, आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। आप जान रहे हैं सरकार किस रवैये से भर्ती कर रही है और किस तेजी से कार्य कर रही है। हालांकि आज एक वीडियो मेरे पास आइडियो भेजा गया और उस आइडियो को मैंने सुना, ठीक है, और मैं उसको अगर आप लोगों को स्पष्ट करूं, वो उन्होंने वहां से ये आया कि हमने जो है अगर मैं वो पार्टी होता तो ये करता हुआ करता, तमाम चीज़ें कही गई, ठीक है। मैं सम्मान करता हूं उनका, आपने हमें सजेस्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन अब क्या कहा जाए उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अपडेटें हैं, ठीक, बस इतना जानते रहिए कि बैठा कोई नहीं है, टीम बैठी नहीं है, कार्य जारी है, ठीक है। तो इसी बातों के साथ आप सभी साथियों को शुभरात्रि, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने काम को बिल्कुल भी जारी रखें और अपने परिवार वालों को संभालिए, उनको समझाइए कि आप सिर्फ एक भर्ती से हमारे टैलेंट को मत आंकिए। एक भर्ती परीक्षा जिनमें 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हमारे कम है, अगर हम नहीं सेलेक्टेड हुए तो आप इसमें हमारी योग्यता को माफ करके अगर आप हमें जो है बार बार टॉर्चर करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो दोस्त मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।